घोषणा किया गया कि इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मिलेगा रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी जो हैं एक तमिल जो हैं एक्टर हैं, इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार का मिलेगा। तो हम डिस्कस करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से मूवी के लिए ऑस्कर फिल्म अवार्ड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो म्यूजिक के लिए ग्रैमी अवार्ड होता है वो सबसे बड़ा होता है, और खेल रत्न जो होता है वो खेल के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और इसी तरीके से दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो होता है जिसका भी फिल्म सिनेमा में जो है अपना जीवन का पूरा बहुत ज़्यादा योगदान टाइम समय होता है उसको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये क्यों दिया जाता है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसको दिया गया और क्यों दिया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर तमिल एक्टर जो हैं रजनीकांत जी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला है ये मिला है रजनीकांत जी को, जो कि एक तमिल अभिनेता हैं, तमिल फिल्म एक्टर हैं, और ये सबसे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था ये यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय सिनेमा में जो कोई भी अपना योगदान दिया रहता है, सबसे ज़्यादा योगदान दिया रहता है, अर्थात कहें तो अपने जीवन का जो भी लास्ट टाइम तक होता है या फिर अधिक समय तक होता है, जो भी कोई भी योगदान दिया रहता है उनको जो है ये पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जब हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो ये शुरुआत हुई 1969 ईस्वी में, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में जो है पहली बार जो है देविका रानी जी को ये दिया गया, और इस पुरस्कार में जो है 10 लाख रुपए की जो है वो धनराशि दी जाती है। और इससे पहले अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी से पहले जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में दिया गया था, जो कि 66वां था, और ये दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, जो कि भारतीय सिनेमा के जो है वो भी एक्टर हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि दादा साहब फाल्के जो है दादा साहब के बारे में, जिनके नाम पर जो है अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के, तो ये जो थे ये दादा साहब फाल्के जो थे ये थे भारतीय सिनेमा के पितामह, जिनको हम कह सकते हैं फादर ऑफ सिनेमा, मतलब सिनेमा के जो है वो पिता थे। और यदि इनका पूरा नाम की बात करें, पूरा नाम जो था दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिलता है इनका पूरा नाम जो था ये था धुंडी राज गोविंद फाल्के, इनका जो पूरा नाम था वो था धुंडी राज गोविंद फाल्के, जो कि महाराष्ट्र के, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था और नासिक शहर में जो है इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मूवी जब बनाना स्टार्ट किया अर्थात भारतीय सिनेमा में इन्होंने काम करना चाहा, ये सबसे पहले मूवी देखे थे क्रिसमस पर एक फिल्म बनी थी ईसा मसीह, उनको देख उस मूवी को देखने के बाद जो है इनके मन में भी विचार आया कि हम भी जो है भारतीय सिनेमा में फिल्म में जो है हम भी अच्छा जो है योगदान करें, और हम जो है फिल्म बनाएंगे और वो जो फिल्म होगा भारतीय सिनेमा और हमारा जो भारतीय सिनेमा है वो भी अपना बड़ा योगदान दे और भारतीय सिनेमा जो है वो डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और इनकी पत्नी जो हैं जिनका नाम था सरस्वती बाई, तो सरस्वती बाई ने भी जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया फिल्म जगत में जो इनकी फिल्म है, क्योंकि ये जब सबसे पहले इन्होंने फिल्म बनाया तो उसमें कोई काम करने वाला नहीं था, इनके फिल्म में कोई जो फीमेल होता है उसका रोल करने के लिए नहीं था, तो इनके बच्चे जो हैं इनकी औरत जो है इन लोगों ने मिलकर जो है फिल्म बनाया, और इन्होंने जो है अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, अपना बहुत सारे गहना जो था उसको गिरवी रखा, और जो कोई भी जिस तरीके से योगदान था उन्होंने दिया। सबसे पहले जब दादा साहब फाल्के की फिल्म बनी थी वो बनी थी 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो है इनकी पहली फिल्म थी दादा साहब फाल्के की। तो ये जब इनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि दादा साहब थे इन्होंने जो एक राजा रवि वर्मा थे जिनका आप नाम सुने होंगे, जो कि बहुत अच्छे पेंटर थे। तो राजा रवि वर्मा जी जो हैं ये अपने जीवन के अंतिम समय में जो है इनका जो भी प्रिंटिंग प्रेस था या फिर जिससे भी इन्होंने पेंटिंग का काम किया करते थे, तो जब इनका जीवन का लास्ट समय हो गया तो इन्होंने अपना पेंटर जो है इन्होंने बेचा, और वो जो भी बेचने के बाद जो पैसा मिला उस पैसे से जो है इन्होंने उनका जो पैसा था वो अपने भाई या फिर अपने घर के लोगों को, चाचा या फिर इस तरीके के लोगों को उन्होंने जो है वो बांट मतलब देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रिंटर से उस ज़माने में थोड़ा बहुत जो भी रुपए मिला था
उनको बांटना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसी समय जो है ये देखे दादा साहब जी को, दादा साहब फाल्के ये जो थे ये ब्रिटिश के जो है, ब्रिटिश के पीछे पीछे जो है दादा साहब फाल्के घूम रहे थे कि उनको जो है फिल्म के बारे में उनसे जो है ब्रिटिश से जो है वो नॉलेज मिले कि किस तरीके से फिल्म बनाया जाता है। तब जब राजा रवि वर्मा जी जो हैं इनको देखे दादा साहब फाल्के जी को कि जो है इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं ब्रिटिशर्स के पीछे पीछे कि ब्रिटिशर्स से जो है फिल्म बनाने का जो है जो भी एक नॉलेज हो उसको जो है प्राप्त किया जाए। तब फिर जो है इन्होंने जो कुछ भी भाई या फिर जो भी घर के लोगों को पैसा बांटने के बाद जो पैसा बचा था तो ये दे दिए थे राजा रवि वर्मा जी जो हैं ये दे दिए थे दादा साहब फाल्के को कि ले लो ये पैसा और तुम इस पैसे से जो है काम करो और तुम्हारी रुचि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो तुम ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। तो फिर उस पैसे से जो है ये दादा साहब फाल्के जी जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पैसे से इनको हेल्प मिला और उसके बाद जो है इन्होंने सबसे पहले जो है राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है 1913 ईस्वी में बनाई और ये जो फिल्म है काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई और काफ़ी ज़्यादा भी देखा गया। तो फ्रेंड्स ये था दादा साहब फाल्के जी के बारे में, इनका जो भी स्ट्रगल था। इसके अलावा इन्होंने USA हो या फिर और ज़्यादा जगह हो वहाँ पर जो है इन्होंने अध्ययन किया कि फिल्म जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, फिल्म में किस तरीके से रोल किया जाता है, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन भी किया और इनका जो है पूरा रुचि जो है फिल्म जगत में लगता था। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रजनीकांत जी हैं इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो मिला है। तो रजनीकांत जी जो हैं ये तमिल एक एक्टर हैं और ये जो हैं अपने 50 साल जो है ये फिल्म जगत में जो है एक्टिव रहे रजनीकांत जी जो कि तमिल एक एक्टर हैं। और ये जो हैं 1975 ईस्वी में सबसे पहली जो है रजनीकांत जी की तमिल फिल्म बनी। और यदि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तमिल में जो है कितने लोगों को मिला तो ये जो इनको मिला है ये तीसरे ऐसे पर्सन हैं जिनको जो है तमिल फिल्म में जो है दादा साहब फाल्के जो है अवार्ड मिला। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 2019 में जो है अमिताभ बच्चन को मिला, 2020 में कोई को नहीं मिला, लेकिन इनको जो है 2018 का जो है 2019 में मिला था। तो यहाँ पर देखेंगे 2019 और 2020 का जो है वो किसी को नहीं मिला था। तो इस समय जो है तमिलनाडु में इलेक्शन है तो इलेक्शन होने के बाद जो है रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। हालांकि रजनीकांत जी जो है अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं लेकिन दो साल जो है ये जो है अवार्ड जो है ये किसी को नहीं मिला था और यहाँ पर जो है इनको दिया जा रहा है। और ये जो अवार्ड है ये अवार्ड डिसाइड किया जाता है 5 मेंबर में कि जो है 5 मेंबर डिसाइड करते हैं कि किसको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड मिला है टोटल अभी 51 लोगों को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है अभी तक आज तक जो है वो दिया गया है। तो ये था दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा घोषणा किया गया कि इस बार का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिया जाएगा रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी जो हैं तमिल एक्टर हैं। तो फ्रेंड्स ये था दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, थोड़ा सा दादा साहब फाल्के जी के बारे में और इससे पहले किस तरीके से दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसको दिया गया, इसमें राशि कितनी होती है और तमिल एक्टर रजनीकांत जी के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन था। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।